हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रंजन। मैं फिर से वापस आ गया और एक नई वीडियो में। और सबको वेलकम टू स्टार गेमिंग थ्रिल यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने एक बेबी डोडो को बड़ा किए और राफ्ट बनाए और राफ्ट से और एक आइलैंड को आए। वहाँ पर बहुत सारा मेटल फार्म किए और राफ्ट को भी थोड़ा बनाए, छोटा सा बनाए हैं। और मेटल के पिकेक एंड हैचेस बनाए और स्मिथि बनाए और रेनफोर्ज बनाए। आज की वीडियो में हम एक पेरेसर को टेम करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने एक पेरेसर, हाई लेवल पेरेसर को देखा था, तो चलो देखते हैं वो पेरेसर मिलेगा कि नहीं, वरना उसको टेम करेंगे। रेड कलर का था, वो था शायद 435 लेवल का था। ये तो 270 हट गया, ये स्टेगो आ गया। रुको, इसको टेम करेंगे। 435 लेवल का रेड कलर का, अच्छा है, अल्फा प्रेशर जैसा दिख रहा है। अल्फा जैसा नहीं लग रहा है, मगर रेड कलर का है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। इसको टेम करेंगे, उसको ट्रैप करेंगे। रुको थोड़ा, चलो थोड़ा उसको टेम करने के लिए रेडी कहते हैं ट्रैप। रुको, ये गिफ्ट से क्या मिलेगा देखते हैं। एक मास्क मिला, इसको लगाएंगे। थोड़ा रुको, पहले हम रेडी होते हैं। 14 नार्को एरो है, मतलब टांग एरो है। और तो नहीं, इतना ही कलेक्ट किया था। उसको ड्रॉप करने के लिए उसके लिए बोला ये करेंगे, देखते हैं बोला अनलॉक किया हूँ कि नहीं। हाँ, बोला अनलॉक है। चलो बोला दो ठो बना देते हैं। हाइट नहीं है, हाइड है क्या, वरना हाइड के लिए फिर से जाना पड़ेगा। हाइड नहीं है दोस्तों, फाइबर थोड़ा ले जाता है सेडल के लिए। सेडल भी अनलॉक है या नहीं अनलॉक है, कितने 10 लेवल पे अनलॉक होता है शायद। हाँ, 10 लेवल पे अनलॉक होता है, तो अनलॉक कर लिया। क्या क्या ज़रूरत है सेडल के लिए, 80 हाइट ज़रूरत है और वुड और फाइबर हो जाएगा। हाइट कलेक्ट करके आता है। चलो, हाइट तो नहीं है इधर में, स्मृति में है क्या, स्मृति में कितना है, 29 है। चलो और कलेक्ट करके आते हैं, नहीं है। चलो कलेक्ट करके आते हैं, फिर बोला भी बनाना पड़ेगा, ट्रैप भी बनाना पड़ेगा। ये इसको इस प्रेशर को टेम करेंगे सोच रहा हूँ। 435 लेवल का है और देखते हैं, यदि इससे ज़्यादा लेवल का मिल गया तो अच्छा है। इसके साथ सिलिका भी ले जाते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है क्या, बहुत अच्छा लग रहा है, इसको टेम करेंगे। रुको, थोड़ा हाइड कलर कर देते हैं, उसके बाद आता हूँ। ये 60 लेवल का स्टेगो है, 270 लेवल का, ये 60 लेवल का। चलो पहले हम हाइट को काम कर लेते हैं। बिना हाइट के सैडल भी नहीं बना पाएंगे, इसलिए पहले हाइट कलेक्ट कर देते हैं। नहीं, बेरिज का कलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसको टाइम करके फिर अरे बहुत टाइम लग जाएगा। उस टाइम के अंदर हम हाइट कलेक्ट करके सैडल बना लेंगे। थोड़ा बेरिज कलेक्ट कर लेता हूँ,
इतना हो, इतना हो जाएगा क्या? रुको थोड़ा देख लेता हूँ। हाँ बहुत कम है, और को थोड़ा काम कर लेता हूँ, वरना मैं फार्म करके आता हूँ दोस्तों। इतना तक वेट कर लो, मैं फिर से आता हूँ फार्म करके। हेलो दोस्तों, मैं फिर से वापस आ गया बैरिज कलेक्ट करके। ज़्यादा कलेक्ट नहीं किया हूँ, अभी हम टाइम करेंगे उस प्रेशर को। इधर ही तो हो रहा, एक बोला बना देते हैं। ओके, आप बोला बना दिए। ट्रांक एरो को बो में सेट कर लेते हैं। नहीं हुआ, रुको थोड़ा, हो गया सेट। अभी बोला को फेंकेंगे उसके ऊपर, रुको। हाँ हो गया सेट। चलो कितना एरो में नॉक होता देखते हैं। हो गया, देखते हैं कितना एरो में नॉक होता है। एक, दो, तीन, चार और पांच। फाइनली 5 एरो में हो गया। उसको फूड लेवल कितना है देखते हैं। फूड लेवल 0 है, तो चलो उसको स्मूथिंग बाम दे देते हैं। स्मूथिंग बाम शायद राफ्ट में है, चलो राफ्ट से ले आते हैं। स्मूथिंग बाम से जल्दी हो जाएगा, और स्मूथिंग बाम भी फार्म करना पड़ेगा वो कैब से। बहुत सारा काम है आज तो। हम थोड़ा राफ्ट को अच्छी तरह बनाएंगे। यहाँ रखा था, हाँ वो एक तो है स्मूथिंग बाम, और कुछ नहीं, सैडल भी अनलॉक करना पड़ेगा। इसके लिए फाइबर थोड़ा ले देता हूँ। हाइड हाइड शायद स्मृति में है। हाँ 29 है, और थोड़ा काम करना पड़ेगा थोड़ा। चलो काम हो गया। तो 70 लेवल का स्टेगो है। पहले उसको स्मूथिंग बाम दे देते हैं। ये रहा स्मूथिंग बाम। उसके बाद एज दे देते हैं, एज मेरी पहले दे देते हैं, उसके बाद ये दे देते हैं, उसके बाद ये, और ये उसके बाद ये। अभी हो गया, जल्दी से हो जाएगा। अब हो गया, ये हमारा पहला। अब हमको बैरिज कलेक्ट करने के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। चलो इसके लिए सैडल बना लेते हैं। हाइट थोड़ा फार्म करना पड़ेगा, रुको हाइट फार्म करके आता हूँ। फाइनली हमने वुड फार्म कर लिया और हाइट भी फार्म कर लिया। उसके सैडल को अनलॉक करते हैं। सैडल को अनलॉक कर ले, कितने 10 लेवल में अनलॉक होता है शायद। 10 10 10 10, हाँ 10 नंबर में अनलॉक होता है। इसको अनलॉक कर लेते हैं। अनलॉक कर लेते हैं, हाँ हो गया। इसके बाद क्राफ्ट कर लेते हैं। अभी हम डाइनो के ऊपर प्रेशर का सेटल हो गया। चलो उसको पहना देते हैं।
सैडल पहना देते हैं, इक्विप्ड पहन ले इसको अभी के लिए, गोल्ड चेन पहना देते हैं। ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है, इसके ऊपर ऐड करते हैं। चलो थोड़ा बेरीज काम करते हैं। ओह बहुत आवाज कर रहा है। कहाँ फार्म काम कर रहा है, इसीलिए हाँ अभी एम नहीं कर पा रहा था। छोड़ो, ज़्यादा खास जहाँ पर है वहाँ पर करेंगे। इससे रुको, किधर जा रहा है? इससे तुम बैठ बैठ के हाइट को बोल रहा हूँ, उड़ भी फार्म कर सकते हो। ऐसे उड़ भी फार्म कर सकते हो, बेरिस तरह फार्म कर रहे हैं। इसका एम थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। चलो उधर जाकर करते हैं, थोड़ा बेरीज फार्म कर लेता हूँ, इसके बाद दिखा आता हूँ थोड़ी देर बाद के लिए। हेलो फ्रेंड, मैं फिर से वापस आ गया। ये 50 नार्को बेरीज कलेक्ट किया हूँ, तो इसमें से देखते हैं कुछ नार्कोटिक्स बना लेते हैं। कितना बनेगा? 10 ही बनेगा उसमें से। ओ पहले ये 9 मैंने पहले से फार्म करके बना लिया था, अभी 50 बना लिया हूँ, टोटल 19 आ गया। मैं सोच रहा हूँ एक ट्राइक को टेम करें, क्योंकि ये प्रेशर इतना बेरीज फार्म नहीं कर पा रहा है, इसलिए ट्राइक को एक टेम करेंगे। देखते हैं, एक हाई लेवल का ट्राइक को ढूंढेंगे और टेम करेंगे। इसको हो जाने देते हैं। आर 3 और 3 होने से हो जाएगा। चलो इसको ट्रांसफर करके एरो बना लेते हैं, ट्रैक एरो। मैं सोच तो रहा हूँ एक ट्राई को टेम करूँ, इसके लिए ट्रैप बनाना पड़ेगा, एक हाई लेवल का ट्राई को ढूंढना पड़ेगा। देखते हैं, चलो ढूंढते हैं, यदि आज मिल गया तो हम टेम कर लेंगे, वरना कल टाइम करेंगे। तो पहले तो ढूंढते हैं कोई अच्छा लेवल का, यदि मिल गया तो चलो। इसके लिए कपड़ा थोड़ा बना लेते हैं, नॉर्मल वाला। ये कब से नंगा घूम रहा है, इसको क्राफ्ट कर देते हैं, इसको भी क्राफ्ट कर देते हैं, इसको भी। और पैंट किधर गया वे? पैंट अनलॉक नहीं किया क्या? हाँ अनलॉक नहीं किया, ये भी अनलॉक किया गया, सब अनलॉक किया शायद। हाँ इसको भी क्राफ्ट कर देते हैं, चलो पहना देता हूँ। और दो बाकी रह गया, ये और ये।
हो गया। ये ब्लॉक का वो टाइल लगा लेता हूँ तो अच्छा दिखेगा शायद। हाँ जेंटलमैन दिख रहा है। चलो अभी हम एक ट्रैक को ढूंढते हैं और टेम करते हैं और ड्रॉप भी आने वाला है, देखते हैं क्या है इसमें अंदर। वो कितना लेवल का है? 60 लेवल का मिनिमम, 300 के ऊपर लेवल का ढूंढते हैं। 300 से ज़्यादा होने से ही अच्छा है, वरना नहीं अच्छा है। आज ढूंढते हैं, वरना कोई कम लेवल का भी कर लेते हैं। ये पैरासोर ज़्यादा बेरी फार्म नहीं कर पा रहा, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो ट्राई को ही टेम्प करेंगे सोच रहा हूँ। ये टेम्प करें, 270 लेवल का है, इसको कर सकते हैं। देखता हूँ और ज़्यादा लेवल को मिल जाएगा तो। ये भी अच्छा है 28, ये इतना भी अच्छा नहीं। देखता हूँ और थोड़ा, यदि कोई मिल गया तो 300 से ज़्यादा लेवल का। ये कितना लेवल का है? 60 लेवल का। अभी हम एक ट्राइक का अच्छा वाला ट्राइक टेम करेंगे तो बेरी ज़्यादा फार्म कर सकता है जैसे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर तो ट्राइक भी ज़्यादा नहीं दिख रहा है। ये कितना लेवल का है? 240 लेवल का है, इतना भी अच्छा नहीं। वही 280 25 लेवल का, उसको ही टेम करेंगे सोच रहा हूँ। बाद में कोई अच्छा लेवल का मिले तो वो बाद में करेंगे, अभी के लिए इसको ही टेम कर लेता हूँ। ये कितना लेवल का है? ये तो 60 लेवल का। चलो ड्रॉप से क्या क्या मिलेगा देखते हैं थोड़ा। फोर अंबर मिल गया, अच्छा है। ऐसे ही मिलता है तो बहुत खुशी लगता है। 270 लेवल का, ये तो नहीं टाइम करेंगे, ये तो स्टेगो है। तो उसके लिए थोड़ा ट्रैप बना लेता हूँ। ट्रैप कौन सा, किस में से ट्रैप करेंगे उसको? तो इसके लिए बहुत सारा वुड चाहिए, ऐसे बना लेते हैं। शायद फोर फाउंडेशन में हो जाएगा, तो मैं ट्रैप बना कर आता हूँ फिर से। ट्राइक को टेम करने से पहले थोड़ा स्मूथिंग बम फार्म कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा स्मूथिंग बम फार्म करने से टाइमिंग जल्दी हो जाएगा, इसलिए चलो स्ट्रॉन्ग कैप चलते हैं। इसको प्रेशर को कैसे लें, प्रॉप को लेके चलते हैं उधर स्ट्रॉन्ग कैप की तरफ। तो इसलिए प्रेशर को प्रॉप के अंदर में डाल देंगे। रुको थोड़ा, वो डायनासोर गेटवे बना देता हूँ। इससे क्या होगा ना,
इसको अंदर में ये डाल देंगे उसको। इसके लिए थोड़ा स्टोन चाहिए शायद, या वुड चाहिए, रुको थोड़ा देख लेता हूँ। हाँ स्टोन चाहिए, स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा। मैं सोच रहा हूँ एंकी को टेम करूँ या ट्राई को टेम करूँ। हाई लेवल के एंकी को मैं देखा हूँ इस आइलैंड पर, देखता हूँ। पहले तो मैं सोचा हूँ स्मोकिंग बम फार्म कर लेता हूँ, उसके बाद टेम करेंगे। हो जाएगा सही दिन में। एंकी है इतना भी ज़्यादा लेवल का नहीं, 300 से ज़्यादा लेवल का होता तो टैंक हो जाता, ये थोड़ा कम लेवल का है, इसीलिए सोच रहा हूँ पहले स्मूथिंग बम फार्म कर लेते हैं, उसके बाद यदि ज़्यादा लेवल का मिलेगा तो उसको टैंक कर लेंगे। इसलिए स्मूथिंग बम के लिए स्ट्रॉन्ग कैप जाना पड़ेगा। तो चलो स्मूथिंग बम फार्म करने चलते हैं। और भी कितना है, ऊट जरूरत है, ऊट हो गया। और थोड़ा आप वहां से यदि अच्छा वाला पिकेट एंड हैचेट का ब्लूप्रिंट मिल जाएगा तो अच्छा होगा। ये रहा हो गया, रात को भी थोड़ा बड़ा बनाएंगे, रात के घर को बड़ा बनाएंगे, थोड़ा डायनो को अंदर में रखने के लिए जिसे आसानी होगी। कहाँ ये करें, पीछे के साइड में करें, सामने जगह नहीं है, पीछे के साइड, इस साइड में थोड़ा स्पेस है, देखता हूँ होगा कि नहीं, वरना हो जाएगा शायद। ऊपर में कहाँ लग रहा है, इसको तोड़ना पड़ेगा शायद, तोड़ के करना पड़ेगा। इसे अभी के लिए ऐसे कर रहा हूँ, बाद में रात को तो अच्छी तरह बनाएंगे। अच्छी तरह बना करने के बाद डायनो को सब ऊपर रखेंगे, अभी के लिए ऐसे बना दे रहा हूँ। ओह गलती से लग गया, गलती से हो गया, ठीक से लगता। हाँ हो गया, एक दरवाजा लगाते हैं, हो गया, एक रैम को लगा देता हूँ। ये बनाना था ट्रैप बनाने के लिए। हाँ अभी आपको थोड़ा घुमा लेता हूँ, चलो और थोड़ा पीछे कर देता हूँ। रात भी होने वाला है, इसलिए जाएंगे तो सुबह में जाएंगे, उसको लेके जाएंगे डायनो को, तो अभी साथ में लेना पड़ेगा ना,
इसलिए इसको पहले यहाँ डाल देता हूँ। बंद कर लेते हैं। अभी थोड़ा अभी के दिन चलो चलते हैं स्ट्रॉन्ग कैप की तरफ। डोडो सब है ना? हाँ ठीक है डोडो। चलो ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, व्यू चेंज करके देखता हूँ। ऐसे भी नहीं दिख रहा है अभी के लिए, तो ऐसे ही चलते हैं। चलो पहुंचने के बाद आता हूँ। देखो दोस्तों मैं आ गया रेडब्ल्यू ए स्ट्रॉन्ग कैप के पास। ये रहा लोकेशन, ज़्यादा तो नहीं और थोड़ा पास में ही, यहाँ साइड में आपको रख देंगे। उसके बाद चलेंगे को, यहाँ पत्थर बहुत है, पत्थर से रुको यहाँ बंद कर देता हूँ, वरना स्टॉप ये सार्को एक है, सार्को एक एक सार्को है यहाँ बाहर पर। ये रहा ये सार्को और बिरयानी है। बाहर में जाएंगे तो अभी मर जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे, उनको फाइट करने दो। चलो दोस्तों सुबह होने के बाद स्ट्रॉन्ग कैप में चलेंगे, अभी तो रात होने वाला है। चलो राफ्ट को साइड में रख देता हूँ। इधर मुझे नहीं देते हैं, सुबह चलते हैं। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, मैं फिर से वापस आ गया ऑफलाइन में। देखा आपने, हम ऑफलाइन नहीं, जब मैं ऑनलाइन था आपने देखा जो दो सार्को ना सार्को एक सार्को और एक बिरयानी का आकर हमारे राफ्ट के ऊपर अटैक कर लिए थे, तो उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ऑफलाइन में हमारा दो टोटो को वो सार्को ने मार लिया, तो मैं तो कुछ नहीं कर पाया उस वक्त। तो अभी तो कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास वो ऐसे हाई लेवल का वेपन भी नहीं है जो उसको मार सकता हूँ, तो इसलिए उसको तो कुछ नहीं कर पाया। रात को ही उधर साइड में ले आया। देखो दोस्तों अभी मैं इधर हूँ, इधर में हूँ, इस वक्त वहाँ इधर में साइड में ले आया। तो चलो अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो दोनों तो मर गए। तो चलो हम हार्न कैप जाकर स्मूथिंग बम फार्म कर लेते हैं, उसके बाद और चलो करते हैं। रुको थोड़ा, ये इसको थोड़ा रिपेयर कर देता हूँ इसको इसको, और देखते हैं वहाँ पर एक पेड़ लगा देंगे। हाँ
हाइट जरूरत है, हाइट तो इतना 45 है, हाइट तो 4 लेगा तो फिर रुको रिपेयर कर देता हूँ उसको। एक बेड बना लेता हूँ क्योंकि वहाँ एक बेड बना देंगे, एक बेड डाल के आ जाएंगे। वहाँ पर एक बेड और फाउंडेशन डाल के एक बेड बना के आते हैं। दरवाजा तो किधर गया, ऊपर में है क्या? रुको रुको, दरवाजा दरवाजा अनलॉक नहीं किया हूँ शायद, थोड़ा रुको अनलॉक कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। कहाँ क्या स्टोन अनलॉक तो है, और स्टोन थोड़ा जरूरत है, थोड़ा रास्ते में कर देता हूँ। तो चलो चलते हैं, अभी के लिए पेरेसर के ऊपर चलते हैं। कहाँ रख दिया एचेट को, ये रहा। कुकमिट तो नहीं है शायद, कुकमिट है क्या? नहीं है, बेरीज ले जाते हैं थोड़ा, ये बेरीज ले जाते हैं थोड़ा। मैं अकेले चला जा रहा हूँ या इसको लेके जाऊँ? हाँ सोच रहा हूँ अकेले ही चला जाऊँ। कहाँ चढ़ गया? मेरा चार्ज थोड़ा कम है ना, इसलिए थोड़ा हैंग कर रहा है मोबाइल, तो पता चल रहा होगा। चलो देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। वहाँ पर बेड लगा के आएंगे और डायरेक्ट उसके बाद हम रोज फार्म करेंगे। उसके बाद देखता हूँ इस ड्रॉप से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ अच्छा चीज मिल जाएगा। हाँ चलेगा, पहले मिलता तो क्या हो जाता तुमको। चलो थोड़ा ट्राई करते हैं, हो पाएगा कि नहीं। चलो इधर से चलते हैं, उधर तो सार्को है और बिरयानी है ना, इसलिए तो उधर से नहीं जाएंगे। मोबाइल थोड़ा हैंग कर रहा है क्योंकि चार्ज भी थोड़ा कम है ना, इसलिए और थोड़ा पास में है। रात होने वाला है क्या? इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से।
पास में हूँ। ये कॉम्पी तो जंगल में मिल जाते हैं फ्री फ्री में, आ जा कॉम्पी। रुको इधर में ही पास में कहाँ पर, हाँ इधर से जाना पड़ेगा शायद, नहीं गलत गलत दिशा में आ गया, सामने की तरफ जाना पड़ेगा, इधर नहीं इधर इधर। शायद मैं गलत गलत रास्ते में आ गया, यही पास में है। रुको थोड़ा मैं देख लेता हूँ मैप थोड़ा। हाँ इधर नीचे में है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इधर नीचे में है, पता नहीं चल रहा था। इधर से जाना पड़ेगा, इधर से थोड़ा आगे जाकर इधर देखो एक स्पाइनो है, ये इस स्पाइनो के बारे में बोल रहा था। कितना लेवल का है, 180 लेवल का है, इसीलिए मैं नहीं जा रहा था उस तरफ। नहीं हम ठीक रास्ते में थे, इधर में जाएंगे, इधर में ये ट्रैक की तरफ ठीक रास्ते में थे। ये रहा स्पाइनो, इधर में जाएंगे वरना वो देख लेगा ना, मार डालेगा, खत्म कर देगा। रुको थोड़ा मैं इधर से भूल जा रहा हूँ, ये रेप्टर है ना, ये तो भागो, रेप्टर था शायद, इधर थोड़ा देर में, रुको रुको रुको, इधर में तो था। हाँ मैं ये राप्टर आ गया मेरे पास, रात भी होने वाला है, आजा तुझे मार दूंगा, आजा 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 अच्छा मार दिया। ये हाई लेवल का नहीं था इसलिए मार दिया, वरना मुझे मार देता वो। इधर में है आगे हम कैब के सामने, तो चलो चलते हैं, यहाँ थोड़ा हैंग होगा लैग होगा, हाँ हुआ तो अभी चलते हैं। सीधा जाना है तो उसके बाद लेफ्ट घूम जाना है, सीधा 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 इधर लेफ्ट में जाना है, इधर भी लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, उधर राइट, मतलब ये वहाँ दो रास्ता आएगा तो लेफ्ट में जाना है, ये इधर का एक रास्ता है इधर का एक रास्ता है, तो लेफ्ट में जाना है।
उसके जो जहाँ लाइट पड़ रहा है ना उसी तरफ जाना है। ये आके एरिया चलो भागते हैं, चलो भागते हैं। रुको दोस्तों मैं थोड़ा गेम को सेव करके आता हूँ। गेम को मैं सेव करके आगे चलो देखते हैं। रात भी हो गया है ना इसलिए थोड़ा टीम कर लेता हूँ, हो पाए कि नहीं देखता हूँ। यहाँ बेड नहीं बना पाऊँगा क्योंकि हाइट थोड़ा कम है। चलो चलते हैं। यहाँ एक एरिया है कहाँ चाहिए, इधर नहीं तो था। शायद भाग गए। इधर नीचे में ही एक बिच्छू, और हिंदी में तो बिच्छू बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? ये रहा, कहाँ उठ के है? तो है कि नहीं पता नहीं। चलो दोस्तों चलते हैं, यदि कोई कुछ होगा तो मर जाएंगे और क्या। चलो जाम करते हैं और चलते हैं। ये रहा टिकट, यहाँ मारता हूँ, मारता हूँ या तो मरता हूँ। मर गया। और कोई है क्या? आ जाओ सबको मार दूँगा। आ जा 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 सबको मार दूँगा। आ जा आ जा आ जा आ जा सबको मार दूंगा। ये रहा टिकट है यहाँ, ये डंग बोतल है, इसको डंप कर देते हैं क्योंकि फर्टिलाइजर के लिए बहुत अच्छा होगा। ये दोनों को टाइम कर देते हैं। पहले तो मैं बेड लगा देता हूँ, कहाँ पर एक बेड लगा देता हूँ।
करना पड़ेगा ना, यहाँ पर लग देता हूँ। हो गया, ये फाउंडेशन लग गया, अभी बेड लगा देता हूँ। बेड भी लगा था ना, हाँ, यहाँ पर लगेगा कि नहीं लगेगा देखता हूँ। लग जाना, यहाँ पर नहीं लगेगा शायद। इधर इधर एक बार लगा था मैंने, अब फिर से ट्राई करता हूँ, लग जाएगा, लग जाए तेरा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कहाँ लगेगा ठीक से, याद नहीं, मगर यहाँ पर साइड में लग जाएगा शायद, यहाँ पर लग जाएगा शायद। रुको, बेड को ये करके देखते हैं, यहाँ पर तो नहीं लग रहा है। रुको, अट्टी बैग को लेके आता हूँ, उसके बाद ही लगेगा शायद। अट्टी बैग को कलर कर लेते हैं, टेक हो गया, उसके बाद करते हैं, उसके बाद हो जाएगा शायद। अट्टी दोस्तों, मैं थोड़ा जगह को ठीक से ढूंढ लेता हूँ, कहाँ पर लग सकता है, उसके बाद फिर से आता हूँ। दोस्तों, मैं फिर से वापस आ गया, इधर के साइड में नहीं लग रहा है, तो जो इधर जो ग्रीन ग्रीन लाइट दिख रहा है ना, उधर उस साइड नहीं, जो अंदर की तरफ दिख रहा है, ये वाला, इस साइड में, इधर इधर लग जाएगा। देखा, ट्राई किया था, अभी देखता हूँ लगता है कि नहीं, यहाँ पर तो लग गया था। हाँ, इस साइड, यहाँ पर डाल दिए, उसके बाद बेड को ये देखो लग गया, आराम से लग गया। रुको, थोड़ा और आगे लगा देता हूँ, ये लग गया, उसके बाद इसके चारों साइड कवर कर देता हूँ। उड़े क्या, और एक ठो ये नहीं हो पाएगा क्या, इसको भी बनाना पड़ेगा, और ये एक ठो, और थोड़ा सीलिंग, सीलिंग नहीं हो सकता है क्या, रुको थोड़ा देख लेता हूँ, हो जाएगा या नहीं होगा, नहीं होगा शायद। हाँ, कहाँ, ये वाला थोड़ा स्टोन दो, और हो जाएगा स्टोन, इधर भी मिल जाएगा, ये रहा ना स्टोन। रुको, देखिए मिल जाएगा स्टोन, अभी हो जाएगा शायद। और कितना जरूरत है, और 7 जरूरत है,
यहाँ पर हो जाएगा थोड़ा। यहाँ पर डॉन बीटल को भी टेम कर लेंगे हम। नहीं हो पाएगा क्या? हो जाएगा, रुको थोड़ा, हो जाएगा। हाँ मेरे पास था ना वो ड्रॉप करने के लिए ये सब, इसमें से हो जाएगा। रुको यहाँ डाल देता हूँ। क्या भैया क्यों नहीं लग रहा? ये तो थोड़ा देर में हो गया शायद, इसलिए नहीं लग रहा है। हम थोड़ा क्या करें ना, इस साइड में करते हैं, थोड़ा इधर की साइड में, इसलिए नहीं लग रहा है शायद। हाँ अभी हो जाएगा सर। रुको थोड़ा, हम उसको तोड़ देते हैं, उसके बाद करते हैं। तोड़ के दोबारा कर लेते हैं। अभी यहाँ बना देते हैं, 3 वॉल बना देते हैं। ये कहाँ बना लिए, गलती से बना लिए। अच्छा इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते अभी, बाद में कर देंगे इसको। अभी के लिए बेल्ट पहले फिर से बनाना पड़ेगा, बेल्ट बना लेता हूँ। उसके बाद गलती से वो बन गया है। अभी के लिए स्मूथिंग का फॉर्म करना आसानी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अभी लग जाए, उस वक्त थोड़ा आर्टिफैक्ट के पास था ना, इसलिए नहीं हो रहा था। अभी इसको तोड़ देता हूँ। अभी एक काम है, एक सीन बना लेता हूँ। अब हमारा बेड सेफ हो गया। यहाँ से हम किसी भी टाइम में आकर आर्टिफैक्ट लेकर काम कर सकते हैं। अभी हम ये डॉन बीटल को टेम करते हैं, कितना टाइम लगेगा पता नहीं, चलिए शुरू करते हैं। दो सौ 225 लेवल का है, चलो इसको भी कर देता हूँ, क्योंकि डॉन बीटल फर्टिलाइज होगा तो हम एक्सप्लेनेट को, वो ट्री होता है ना जो डिफेंड करने के लिए आसानी होता है, वो जो क्या बोलते हैं, एक्स ट्री या एक्सप्लेनेट ट्री या क्या बोलते हैं उसको, ट्री से याद नहीं आ रहा है। इसको ये करेंगे, आके बनाएंगे, उसके बाद तो आसानी होगा डिफेंड करने बेस को। ये तो बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, जब 90% के जब टाइम होने वाला होगा
उसके बाद आता हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम कर लूँ उसके बाद आता हूँ। ऐसे ही वो जब हम रुको थोड़ा और एक बार दिखा देता हूँ, जब ये ऐसे ग्रीन ग्रीन स्पॉइल मीट दिखा रहा है ना, जब वो हंगरी होगा तो हंगरी का सिंबल आएगा, वो तो थोड़ा दिखा देता हूँ। उसके बाद ऐसे जब जब ऐसे वेट करना है, वेट करना है, जब वो हंगरी दिखाएगा उस वक्त स्पॉइल मीट फिर से डाल देना है। और स्पॉइल मीट आप जो हॉट बार है ना इसमें डाल लेना है, डाल के जब वो हंगरी होगा उसके बाद उसको देना है। ये पैसिव टाइमिंग है, एफिशिएंसी तो कम होगा क्योंकि स्मूथिंग बार नहीं दिया हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे में कोई ज़रूरत नहीं, कम लेवल का भी होने से भी कोई ज़रूरत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको लेवल अप जब करेंगे उस वक्त हम इसका वेट में ही डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज बनाएगा। रुको, ये तो बहुत टाइम लग रहा है, कब हंगरी होगा। चलो दोस्तों, जब हंगरी होगा फिर से आता हूँ। हेलो दोस्तों, ऐसे देखिए जो फूड हंगरी देखा, ये अभी दिखा रहा है फीड द स्पॉइल मीट, और ये सिंबल दिखा रहा है हंगरी का, तो ऐसे ही फिर से स्पॉइल मीट डाल देना है। ऐसे ही फिर से वो ये हो जाएगा। अभी 4% था तो टाइमिंग चल रहा है, तो अभी 8% हुआ है, मतलब 8 हुआ है, उसको भी आ गया होगा, थोड़ा देख लेता हूँ कितर गया वो। ये उसको आ जाएगा अभी, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आने के बाद वो स्पॉइल मीट फिर से डाल देना है उसका, मतलब हॉट बार में क्लिक करना है तो हो जाएगा ऐसे। तो चलो दोस्तों, जब टाइम हो जाएगा कंप्लीट फिर से आते हैं। फाइनली दोस्तों, ये 98% हो गया है, और एक वन बाइट देने से वो टाइम हो जाएगा। देखिए, ये देखिए टाइम हो गया, और ये तो टाइम हो गया, स्पॉइल मीट भी ख़त्म हो गया। तो जो और एक टू टाइम कर रहे थे ना, इसको थोड़ा पेसिव कर लेता हूँ और स्टॉप कर देता हूँ, वरना वो फॉलो करेगा। और दूसरा तो स्पॉइल मीट तो ख़त्म हो गया, उसको और टाइम नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल मीट देख के करेंगे, यदि हो जाएगा तो अच्छा बात है, वरना छोड़ देंगे उसको, बाद में करेंगे तो करेंगे। एक में भी बहुत सारा फर्टिलाइजर हो जाएगा, बन जाएगा फर्टिलाइजर, अभी अभी के लिए, मतलब अभी स्टार्टिंग के लिए, बाद में और एक थोड़ा टाइम करेंगे यार, क्या देखते हैं। ये आ गया एक स्पॉइल मीट, इसको अभी दे देते हैं, 46 हो गया। और एक स्पॉइल मीट आ गया, इसको दे देते हैं। उसके बाद सोच रहा हूँ मैं नॉर्मल मीट दे के करूँगा, कितना होगा पता नहीं, मगर और अभी तो स्पॉइल मीट नहीं है, और क्या कर सकते हैं। 49.8% हुआ है, चलो देखते हैं नॉर्मल मीट से कितना, मतलब स्पॉइल मीट से 5% या 4% करके बढ़ रहा था, अभी नॉर्मल मीट देकर कितना बढ़ रहा है देखते हैं। 49.8 है, तो देखते हैं कितना बढ़ रहा है, 1% बढ़ रहा है। तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मगर हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा वेट करो, मैं इसको टाइम करके दोबारा आता हूँ।
फाइनली दोस्तों ये भी टेम होने वाला है और एक वन बाइट लेगा तो टेम हो जाएगा शायद, नहीं और एक लेगा, 99.5 हो गया है, और एक बाइट लेगा और एक बार हंग्री होने तो जल्दी हो जाएगा। हाँ अभी हो जाएगा, ये हो गया दोस्तों, बीच में स्पॉयल मीट खत्म हो गया ना इसलिए बहुत लेट हो गया, वरना एक साथ हो जाता। इसको भी हम उसी बेड के पास रख देते हैं। और दोस्तों ऊपर थोड़ा रखते हैं, ये अच्छी तरह हो गया, इसको स्टॉप कर देते हैं दोनों को, दोनों फॉलो करेगा। देखो दोस्तों रुको, ये एक है और ये एक है, ये 318 लेवल हो गया, और ये थोड़ा कम हो गया यार, करेगा डंग बीटल के लेवल के हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं, उसका लेवल अप जब होगा उसके वेट के ऊपर डालना पड़ेगा, तो अच्छा है, अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं ऑफलाइन में इस डंग बोतल को टेलीपोर्ट कर दूंगा राफ्ट के पास, और ऑफलाइन में स्मूथिंग बम फार्म कर लूँगा, और कल हम ट्राइक को टैंप करेंगे, या तो देखेंगे कौन सा डायनो को टैंप करेंगे, तो मैं ऑफलाइन में स्मूथिंग बम फार्म कर लूँगा, और तो मिलते हैं कल, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर कर देना, तो मिलते हैं कल, बाय बाय। Must have been